दुर्ग राजीव भवन में कांग्रेस पदाधिकारी एवं सदस्यों की एक बैठक रखी गई, जिसमें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। संगठन को आगे और मजबूत करने के लिए कई प्रकार के मुद्दों पर गहन चिंतन किया गया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने मीडिया को कुछ इस तरह बताया। दुर्ग जिला यूथ कांग्रेस की मासिक बैठक थी, जो डिजिटल मेंबरशिप और एक बूथ 10 यूथ जो यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम है, उन दोनों को लेकर के बैठक रखी गई थी, जिसमें जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। लगभग लोग आज बैठक में मौजूद थे। जो लोग नहीं थे उनके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि उनकी जगह नए सक्रिय लोगों को संगठन से जोड़ा जाएगा। निष्क्रिय लोगों को संगठन से बाहर करने की एक तैयारी है, और ये निर्देश माननीय सभी हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो नेतृत्व है, उसका है कि निष्क्रिय लोगों को संगठन से बाहर कर, जो बाहर हज़ारों की संख्या में युवा इंतजार कर रहे हैं यूथ कांग्रेस में जुड़ने का, उन सबको जोड़ने का एक अभियान चलाया जाए। मेंबरशिप के माध्यम से और एक बूथ 10 यूथ के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मोहन मरकाम जी ने यूथ कांग्रेस को दिया है। उस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, उसको लेकर के आज ये बैठक आयोजित की गई थी। इसके साथ ही हमारी जो विधानसभा और जिला स्तर पर कार्यकारिणियाँ बनानी है, जो पेंडिंग है जिन जिन विधानसभा में और जिले में, उसको कैसे पूरा किया जाए, इन सब एजेंडा पर आज चर्चा करते हुए हम लोगों ने बैठक रखी।